बाल्टिक सागर में रुगेन द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। इस होटल का नाम है होटल फ्लोरा। इस होटल में 10,000 बेडरूम है और हर किसी का रुख समुद्र की ओर है। करीब 80 साल पहले इसको बनाया गया था और तब से अब तक ये खाली है। ये होटल हिटलर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आइए इस होटल के बारे में रोचक बातें आपको बताते हैं। उस होटल को नाजियों ने अपनी स्ट्रेंथ टू जॉय प्रोग्राम के तहत बनवाया था। इसका मकसद था कि जर्मनी के कामगारों के लिए फुर्सत का शानदार पल बिताने के लिए गतिविधियों का आयोजन करना और नाजी प्रोपेगेंडा को फैलाना। ये होटल इतना विशाल है कि इसे स्थानीय लोग कोलोसस कहते हैं। कोलोसस का मतलब है विशाल काय संरचना। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एक जैसी दिखने वाली 8 बिल्डिंग है जो 4.5 किलोमीटर में फैली है। इसका निर्माण कार्य 1936 में शुरू हुआ और 3 साल के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इस होटल को बनाने में करीब 9,000 मजदूरों ने काम किया। नाजियों का ऐसा ही 4 रिजोर्ट बनाने का प्लान था। हर रिजोर्ट में सिनेमा, फेस्टिवल हॉल, स्विमिंग पूल और क्रूज शिप के ठहरने के लिए जेटी के निर्माण की योजना थी। हिटलर फ्लोरा को दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाना चाहता था। वो चाहता था ऐसा विशाल का रिजोर्ट बनाया जाए जो दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा रिजोर्ट हो। उसकी योजना 20,000 बिस्तरों वाले होटल को बनाने की थी। हर कमरे का रुख समुद्र की ओर रखने का प्लान था। हर रूम का आकार 5x2.5 मीटर का होना था, जिसमें 2 बिस्तर हो, 1 वार्डरोब हो और 1 सिंक। कॉम्प्लेक्स के बीच में एक विशालकाय भवन बनाने की भी योजना थी, जिसे जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय में सैन्य अस्पताल में बदला जा सके। अभी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के साथ ही हिटलर की प्राथमिकता बदल गई। उसने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को हथियार बनाने के लिए भेज दिया। जब मित्र राष्ट्रों की सेना का हमला हुआ तो वहाँ हैम्सबर्ग के शरणार्थियों ने आकर शरण ली। बाद में पूर्वी जर्मनी के शरणार्थी भी वहाँ पर आकर ठहरे। युद्ध के अंत तक उन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल महिला सहायक जवानों को रखने के लिए किया गया। युद्ध के बाद फ्लोरा का इस्तेमाल पूर्वी जर्मनी की सेना के लिए सैन्य चौकी के तौर पर किया गया। 1990 में जर्मनी के एकीकरण के बाद इसके कुछ हिस्सों का इस्तेमाल मिलिट्री टेक्निकल स्कूल के तौर पर किया गया। फिर बाद में बाल्कन के शरणार्थी यहाँ पर आकर ठहरे। कुछ ब्लॉक इसके खंडहर हो गए हैं। उनको छोड़कर होटल का बाकी हिस्सा अभी भी बहुत सुंदर लगता है। 2011 में फ्लोरा के एक ब्लॉक को हॉस्टल में बदल दिया गया, जिसमें 400 बेड हैं। आपको फ्लोरा के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप तक ऐसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए।